अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यार व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यार सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बिहार की बहुत ही ज़बरदस्त शादियों वाली पटल आलू और कचौड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसे नाश्ते के वक्त ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन मानिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, और जब भी बनाइएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बिहार की शादियों वाली ओरिजिनल रेसिपी है ये पटल आलू की, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक बॉल में 2 कप आटा ले रही हूँ और इसी के अंदर 2 कप मैदा डालना है। बिहार की शादी में जब भी कचौड़ी या पूरी बनाई जाती है तो आटा मैदा को मिक्स करके लिया जाता है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून मंगरेला, 1/2 टीस्पून हींग और 1 टीस्पून नमक ऐड करना है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। नमक डालकर अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिला देना है। मिलाने के बाद अब इसके अंदर 3 टेबल स्पून भरकर तेल लेना है मोयन के लिए। आप तेल की जगह पे घी या डालडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तेल ले रही हूँ और तेल डालने के बाद फिर अच्छे से इसे मसल देना है ताकि जो तेल है वो मैदे में अच्छे से मिल जाए। जब अच्छे से तेल मिल जाए तो फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मीडियम सा डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, डो जो है थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मैं डो बना चुकी हूँ। अब मैं इसे सेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम पटल ली हूँ और पटल को इस तरह से छील कर कट कर लेना है और साथ में 500 ग्राम आलू भी लेना है। आलू को भी मैं छील कर कट कर ली हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, पटल को छीलना नहीं है, इस तरह से स्किन को निकाल देना है। इस तरह से स्किन निकालना है, छीलना नहीं है। जब भी शादियों में पटल की सब्ज़ी बनाई जाती है इसी तरह से इसे छीली जाती है, स्किन निकाली जाती है, छीली नहीं जाती है। तो देख लीजिए बहुत आसान है, बस चाकू से इस तरह से इसे स्किन को इस तरह से खरोच के निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर आलू पटल को मैं काट के धो के रख दी हूँ। कुछ मसाले हैं जिन्हें रोस्ट करके पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है, जैसे कि 2 दालचीनी के टुकड़ा, 2 हरी इलायची और 2 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। अब इन सारी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पर कलर चेंज होने तक भूनना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है सब्जियों में। भून कर इसे पीस लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए रोस्टेड जो मसाला था उसका पाउडर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढककर साइड में रख देती हूँ और अदरक लहसुन मिर्च को यहाँ पर कूटना है, मोटा कूट कर लेना है। तो 13 लहसुन की कलियाँ हैं, 5 हरी मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। इन सारी चीज़ों को मोटा मोटा कूट लेना है। आप देखते होंगे शादियों में अमलदस्ता में इन मसालों को कूटा जाता है, पीसा नहीं जाता, पेस्ट यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसे मैं मोटा मोटा कूट के साइड में रखती हूँ और एक तरफ मैं सरसों का तेल गरम कर ली हूँ, 50 ग्राम सरसों का तेल है, और इसी तेल में पटल को फ्राई कर लेना है। कलर चेंज होने तक फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर। जब अच्छे से पटल फ्राई हो जाए तो फिर इसी तेल में आलू को भी फ्राई कर लेना है। शादियों वाली आलू पटल जब भी बनाई जाती है तो अच्छे से फ्राई करके बनाई जाती है, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आ जाती है सब्जियों में। तो पटल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, पटल का कलर भी आप देख रहे होंगे बहुत ही शानदार कलर आया है पटल के ऊपर। अब पटल को निकाल देती हूँ और इसी तेल में आलू को भी फ्राई कर लूँगी। आलू को भी अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक। तो आलू पटल फ्राई करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हाँ, अगर आप बिरयानी और पुलाव के लवर्स हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, बहुत सारी बिरयानी की वैरायटीज़ मिलेगी, साथ में पुलाव की भी वैरायटीज़ मिलेगी। और भी किसी तरह की बिरयानी की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पटल बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं आलू को निकाल देती हूँ। आलू पटल फ्राई करते वक्त तेल थोड़ा कम हो गया है तो इसी तेल के अंदर और तेल ऐड करना है। और करी के लिए यानी कि सब्जी के लिए 50 ग्राम तेल लेना है और ये सरसों का तेल है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर 3 तेज़पत्ता, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 5 साबुत लाल मिर्च और 2 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 पिंच हींग डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। हींग डालने के बाद फ़ौरन इन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल देना है और फ्लेम को मीडियम करना है, मीडियम फ्लेम पर कलर चेंज होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो इसके अंदर अदरक लहसुन मिर्च का मसाला डाल देना है और साथ में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून जीरा गोल मिर्च का मिला हुआ पाउडर। ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है, जितना मैं बता रही हूँ बिल्कुल इतना ही मसाला यूज़ करना है इन सब्जियों में।
और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देना है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देना है और इसके अंदर 1 कप पानी डालना है ताकि मसाला जो है अच्छे से भून जाए। और मसाला हमेशा मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे भूने, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और मसाला बहुत अच्छे से भून जाता है। तो इसे मैंने मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लिया है, मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया, आप देख रहे होंगे। अब इसके अंदर फ्राई किया हुआ आलू और पटल को ऐड कर देना है और मसाला आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से भून चुका है, बिल्कुल इस तरह से मसाला भुना हुआ होना चाहिए। तो आलू पटल यहाँ पर मैं ऐड कर दे रही हूँ जिसे मैं पहले से फ्राई करके रखी थी, और इसके साथ ही यहाँ पर टमाटर भी डाल दे रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं है, 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, ज़्यादा नहीं लेना है वरना सब्ज़ी जो है वो खट्टी हो जाएगी। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाकर टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट मैं ढककर पकाऊंगी। उसके बाद इसके अंदर पानी ऐड करूंगी, अभी पानी नहीं डालना है। तो 6 मिनट हो चुका है टमाटर को पकते हुए सब्जियों के साथ, तो एक बार मैं इसे चला ले रही हूँ। देख लीजिए बहुत अच्छे से सारी सब्जियाँ भून रही हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अभी कुछ मसाले इसके अंदर और भी डालना है। तो यहाँ पर सब्ज़ी बहुत अच्छे से भून चुकी है, अब इसके अंदर पानी डाल देना है ताकि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो यहाँ पर पानी मैं 2 कप ले रही हूँ, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से यहाँ पर पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो पानी यहाँ पर मैं 2 कप ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको पसंद है ज़्यादा ग्रेवी तो आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो 2 कप से ज़्यादा यहाँ पर पानी मैं यूज़ नहीं करूँगी। और इसी के अंदर 1/2 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी भी ऐड कर दे रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छी आती है सब्ज़ी में। और ये शादी वाली सब्ज़ी है तो कसूरी मेथी ऐड की जाती है। कसूरी मेथी डालकर अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से चला लेना है और फिर इसे कवर कर देना है 6 से 7 मिनट के लिए। अब यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई या लो नहीं रखना है, लो फ्लेम नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 मिनट के लिए इसे फिर पका लेना है। तो 7 मिनट हो चुका है सब्जियों को पकते हुए और सब्जियाँ देख लीजिए बहुत अच्छे से पक रही हैं, कलर बहुत ही शानदार आया है, बिल्कुल शादियों वाला कलर आया है। और शादी में जब भी सब्जियाँ बनाई जाती है लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है, इसलिए कलर और भी निखर कर आता है। तो कलर आप देख ही रहोगे। अब इसके अंदर जो रोस्टेड मसाला था वो भी ऐड कर देना है, 1/2 कप कटा हुआ धनिया भी डाल देना है और नमक आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को फिर अच्छे से मिला लेना है और फिर कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। और इन सब्जियों को जो 5 मिनट पकाना है एकदम लो फ्लेम पर पकाना है ताकि सब्जियों का जो कलर बहुत ही ज़बरदस्त निखरेगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है। 5 मिनट के लिए इस सब्जी को ढककर मैं लो फ्लेम पर पका लेती हूँ और ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पर बिहार की शादी वाली पटल आलू की ज़बरदस्त सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देती हूँ और चलती हूँ कचौड़ी बनाने के लिए। तो कचौड़ियों का आटा जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर सेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैं छोटी छोटी बॉल तैयार कर लूँगी, जिस साइज़ की कचौड़ियाँ आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर बॉल तैयार कर सकते हैं। बॉल तैयार करने के लिए सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगाना है और इस तरह से राउंड शेप करके बॉल तैयार कर लेना है। और इसे मैं बेलने का तरीका भी बताऊँगी, अगर आप इसमें डस्ट लगा के बेलेंगे तो तेल जो है काफ़ी काला हो जाता है, तो तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर सारी कचौड़ियों का बॉल तैयार हो चुका है। अब करना क्या है, थोड़ा सा तेल लगाना है और एक बॉल रखना है और फिर इस तरह से बेल लेना है। और इसे बेलने के लिए अगर आप आटे या मैदे का डस्ट यूज़ करेंगे तो जब कचौड़ियों को आप तेल में छानेंगे तो तेल का जो कलर है वो डार्क हो जाएगा, कलर अच्छा नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं तेल यूज़ की हूँ बेलने के लिए। और यहाँ पर तेल मैं गर्म करने के लिए पहले से रख दी थी, तेल काफ़ी गर्म हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम करना है, मीडियम फ्लेम पर कचौड़ियों को फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं एक एक कचौड़ियाँ इस तरह से फ्राई करूँगी। जब कचौड़ियों को तेल में डाल दें तो फिर गर्म गर्म तेल कचौड़ियों के ऊपर डालें, ऐसा करने से कचौड़ियाँ काफ़ी फूल कर आती है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, देख लीजिए कितनी फूली फूली कचौड़ियाँ बन रही हैं। जब एक कचौड़ी फूल जाए तो फिर दूसरे कचौड़ी को भी डाल देना है, उसको भी इस तरह से हल्के हल्के हाथों से दबाना है और इसके ऊपर गर्म गर्म तेल छोड़ना है। इस तरह से ये भी कचौड़ियाँ जो है काफ़ी फूली फूली बनेंगी। तो कचौड़ियों को बेलना और फुलाना कितना आसान है आप देख रहे होंगे। और यकीन मानिए इन कचौड़ियों का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आटा मैदा मिलाकर आप कचौड़ियाँ ज़रूर बनाएं, जब भी बनाएगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फाइनली यहाँ पर सारी कचौड़ियों को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है, सारी कचौड़ियाँ बहुत ही फूली फूली बनी हैं और कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है कचौड़ियों का।
और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो फटाफट से मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ सब्जियों के साथ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाई हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को सूजी का हलवा बहुत पसंद है, वो भी कचौड़ियों के साथ। अगर आप कचौड़ियों के साथ सूजी का हलवा पसंद करते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जियों को भी मैं अच्छे से निकाल देती हूँ। सब्जियों का कलर आप देख रहे होंगे एकदम शादी वाला कलर आया है, आप बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी अपलोड करती रहूँगी। और भी बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं जिनका बहुत सारा डिमांड है, तो आप सभी की डिमांड पूरी करूँगी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी लेट हो सकती है बट एकदम ओरिजिनल परफेक्ट रेसिपी आप सबको मिलती है। तो बहुत सारी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। जो रेसिपी जहाँ की रहती है एकदम परफेक्ट रेसिपी रहती है। और यहाँ पर मैं कचौड़ियाँ भी निकाल चुकी हूँ, कचौड़ियाँ देख लीजिए कितनी काफ़ी फूली फूली हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक दिख रहा है। और इसे मैं तोड़ के भी दिखला रही हूँ, देख लीजिए बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट भी है। आप बनाकर खाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए।